देखिए, जो जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाकर इस लॉकडाउन के तारतम्य में कुछ आवश्यक किराना वस्तुओं और आलू प्याज के विक्रय के लिए रिटेल किराना व्यवसायियों को अधिकृत किया गया था, उसके लिए जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा एक कर्फ्यू आदेश में छूट का पृथक से आदेश भी जारी किया गया था। उसमें कुछ शर्तें थीं, जिन शर्तों में प्रमुख था ये थी कि किराना व्यापारी जिन्हें अधिकृत किया जाएगा वो कोई दुकान से विक्रय नहीं करेंगे। नगर निगम द्वारा जो ऑर्डर पर्ची कलेक्ट करके उन्हें दी जाएगी उसमें केवल आवश्यक वस्तुएं जो हैं, जो कि 15, आपने पर्ची देखी होगी, उसमें 15 आवश्यक वस्तुएं हैं आलू प्याज सहित, उन्हीं किराना सामग्रियों का वितरण किया जाना है। लेकिन देखने में ये आया है कि उस कर्फ्यू में छूट के आदेश के बाद डोर टू डोर किराना व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा अधिकृत किया जाकर और जिला प्रशासन द्वारा, जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर्फ्यू पास उपलब्ध कराए गए थे, जिन पास की सहायता से वो लोग थोक व्यापारियों से माल भी ले पा रहे थे और अपने क्षेत्रों में घर घर उनको ऑर्डर पर्चियों का वितरण करना था। देखने में ये आया कि वो पास लेने के बाद कई व्यापारियों द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि या तो उनके पास पूर्व से व्हाट्सएप नंबर पे जो ग्राहक जुड़े हुए हैं उनसे फ़ोन पर ऑर्डर लिया जाता है, फिर उनको दुकानों पर बुलाकर पैकेट्स दिए जाते हैं, जो कि निश्चित रूप से कर्फ्यू आदेश है उसका उल्लंघन है। और इस पूरी व्यवस्था को, जो कि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहे, लोगों को घर बैठे आवश्यक किराना वस्तुएं मिल जाएं, इसलिए बनाया गया था, इसके उद्देश्य के भी प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है और सीधे सीधे कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय का जो आदेश है उसका पालन नहीं होने पर आपराधिक ये प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का प्रावधान है। अभी हमारे द्वारा इनकी ये जो एक उत्तम ट्रेडर्स आप देख रहे हैं, इनके शहर में 3 प्रतिष्ठान, एक स्कीम नंबर 114 में, एक रानी सती गेट में और एक यहाँ सूर्यदेव नगर में था। इन तीनों को निगम द्वारा डोर टू डोर किराना प्रदाय के लिए अधिकृत किया गया था। इनके द्वारा सभी प्रतिष्ठानों में इस तरीके से शर्तों का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया, जो संज्ञान में आया। कल ये सभी जो तीनों प्रतिष्ठान इनके अलग अलग जोन में पड़ते थे, जोन 5 में और 7 में, स्कीम 114 और रानी सती गेट के जो प्रतिष्ठान है पहले ही सीलबंद किए जा चुके हैं। आज ये सूर्यदेव नगर जो जोन 1 में आता है, जोनल अधिकारी के द्वारा इनकी भी जो अधिसूचना है निरस्त की जा गई है। अब क्योंकि इनकी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है तो वो कर्फ्यू पासेस का दुरुपयोग ये और लगातार नहीं करें, इसलिए नोटिस सस्पेंड कर दिया गया है कि तत्काल ये कर्फ्यू पास जो है इसको कार्यालय में जमा कराएं, जिसे हमारे द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय के कार्यालय में जमा करा दिया जाएगा। और इनके द्वारा जो इस तरीके से शर्त का उल्लंघन किया गया है उसके लिए जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित की जाएगी। सर, दुकान पर।